ऐसी 5 टेक्निक्स जो कि आप अगर बेड पे यूज करेंगे तो आप अपनी वाइफ को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकते हैं। बहुत से पुरुष मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या नया करें या क्या ऐसा करें जिससे मैं अपनी वाइफ को मैक्सिमम प्लेजर दे पाऊँ। तो औरत की संतुष्टि के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रूथ्स मैं आज लेकर आई हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ, पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। ये वीडियो बताएगी कि कैसे आप अपनी वाइफ को संतुष्ट कर सकते हैं, इजी 5 टिप्स। तो मुझे पता है आप ये वीडियो अंत तक देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो हर एज ग्रुप के लिए है। अगर आपका पार्टनर है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे एक औरत को बेड पे सैटिस्फाई किया जाए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शायद आप मिस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, जब भी आपको लगता है कि आप मे बी सेक्स स्टार्ट करना चाहते हैं या वो इंटीमेट पलों को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्ट विद अ किस। मे बी देयर आर सम मेल्स जिन्हें किस बहुत ज्यादा सफोकेटिंग लगता है या उन्हें किस करना आता ही नहीं है, बट स्टिल फॉर अ वुमेन किसिंग ऑन द लिप्स और किसिंग द बॉडी पार्ट्स इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। किसिंग आपकी बॉडी में से एक बहुत अच्छा हार्मोन रिलीज करती है जो कि आपको एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी देता है, फीलिंग ऑफ लव देता है। मोर ओवर वुमेन के लिए सेक्स बहुत ज़्यादा मेंटल होता है, लेकिन आप अगर उसको इग्नाइट या स्टार्ट कर देते हैं तो वो उन्हें ज़्यादा वेटर रखती हैं और उनको वो पूरा इंटरकोर्स या जिसे हम सेक्स के बारे में बोले उसके लिए वो जल्दी से प्रिपेयर हो जाती है और उन्हें बहुत पसंद भी आता है। दूसरे नंबर पर मैं रखूँगी फोर प्ले। अब कई लोगों को जब मैंने फोर प्ले के बारे में बताया तो उनको समझ में तो आया करना है, बट उनके लिए वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है, 1 से 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट, वो जेंटली स्किप करना चाहते हैं यूजली मेल्स, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। फोर प्ले हमेशा एक्सटेंडेड होना चाहिए, मतलब इट हैज़ टू बी एटलीस्ट लेट्स से 10 to 15 minutes। अब आप बोलोगे मैम इतनी देर का फोर प्ले अगर मैं करने लगूंगा तो शायद मेरा बहुत जल्दी निकल जाएगा या मेरे को टाइम का इशू रहेगा। आपको बहुत जल्दी ये बात समझनी है कि फोर प्ले का ये मतलब नहीं होता है कि आपको 15 मिनट स्ट्रेट अवे फोर प्ले करना है। इट मीन्स कि आप चाहें तो मे बी 5 or 6 minutes का फोर प्ले कर सकते हैं, फिर एक पोजिशन ट्राई कर सकते हैं, फिर एक बार और फोर प्ले कर सकते हैं, फिर पोजिशन ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि फोर प्ले एक ही बार में होना चाहिए और फिर पोजिशन लेके सेक्स एक ही बार में होना चाहिए। इट हैज़ टू बी इन अ रूटीन, ताकि आपका टाइम भी बढ़े, साथ साथ आपका फीमेल, क्योंकि मेल और फीमेल के टाइम में इश्यूज होते हैं, वो बराबर से वहां तक जा पाए। अब आप बोलेंगे इसको कंज्यूम कैसे करना है। इसके अंदर आ गया एक छोटा सा स्पून जिसका 1/4 आपने लेना है और गर्म पानी या दूध में आपको उसको 1 से 2 मिनट के लिए लाना है ताकि ये सारा कंज्यूम हो जाए और फिर आप इसको रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैं रखने वाली हूँ जेंटलमैन होना। अब आपको बहुत बार मेल्स को लगता है दैट सेक्स इज ऑलवेज रफ एंड इरोटिक एंड वेरी प्रेशरेबल, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। वुमेन लाइक्स सेंसिटाइजिंग स्लो मोशन ऑफ सेक्स, इसके लिए आपका जेंटलमैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली आस्क टेक कंसेंट कि आपको यहाँ करना पसंद है, इसे हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ये तरीका हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंसेंट लेना और ऐसा सेक्स करना जो कि दोनों पार्टनर्स की रजामंदी के साथ और उनकी पसंद के साथ हो, ये बेस्ट होता है। रादर देन डूइंग अ क्विक सेक्स एंड अ रफ सेक्स इज डेफिनेटली पेनफुल और मे बी नेक्स्ट टाइम आपका पार्टनर उतनी एक्साइटमेंट आपके साथ नहीं दिखा पाएगा जितना ज़रूरी है, इसलिए कंसेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पे आई हैव टू कीप समथिंग इज अबाउट डर्टी टॉक्स। अगर आप चाहें अपने सेक्स को ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, बिकॉज वुमेन लाइक इट, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि वुमेन को पसंद नहीं है, बट येस वुमेन लाइक ऑल दोज डर्टी टॉक्स, ऑल दोज एप्रिसिएटिव टॉक्स, ये बहुत अच्छा है, ये हम ऐसे कर सकते हैं। तो कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग टॉक्स, सिर्फ म्यूट रह के सेक्स करना इज नेवर प्लेजरेबल। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो क्लिटोरिस स्टिमुलेशन। अगर आपको ओरल सेक्स नहीं पसंद है या आपको फिंगर सेक्स नहीं करना आता है और आपको लगता है कि वुमेन को सिर्फ पेनिट्रेशन पसंद होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने अपनी ना जाने इतनी वीडियोस में क्लिटोरल स्टिमुलेशन के बारे में बात की है। इवन आपका टाइम कम है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, ऐसे में अगर क्लिटोरल स्टिमुलेशन मतलब आप फीमेल के वजाइना होल के ऊपर थोड़ा सा ओरल सेक्स करते हैं या फिर फिंगर सेक्स करते हैं, वो फीमेल को बहुत ज्यादा पसंद होता है। आशा करती हूँ मेरी टिप्स आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। ऐसे और टिप्स के लिए मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और डाउट्स हैं या इस वीडियो का पार्ट 2 जो कि एक फीमेल को करना चाहिए ताकि मेल सेटिस्फाई हो, उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और हमारे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो एंड वॉइस इस सब्सक्राइब करें।